ये वीडियो कल आपने जो वीडियो देखी थी उसका पार्ट टू है उसमें मैंने आपको बताया था कि पुरानी जो सलवार होती है या कोई भी कपड़ा आप आप यूज़ नहीं करते हैं वो और पुरानी जो लेसेस होती हैं उनसे आप कैसे जो है कि चीज़ें बना सकते हैं तो कल मैंने जो आपके साथ में शेयर किया था उसमें मैंने ये दो जो कुशन कवर हैं ये बनाए थे पुराने कपड़े से और जो पुरानी जो हमारे घर में लेसेस बच जाती हैं उनसे तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो आप देख लें उसके बाद फिर आप आज वाली जो वीडियो है उसे कंटिन्यू करें बाकी चलिए आज आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जो पुरानी जो हमारा कपड़ा बच गया था ना जो सलवार हमने बनाई थी पैनल से तो हमने वो बना लिया था कुशन कवर और ये जो कलियाँ बच जाती हैं इनसे आप क्या बना सकते हैं ये चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी तो ये देखिए हमने कोई भी चीज़ है कि वेस्ट नहीं की है पुराना जो कपड़ा था उसका भी यूज़ किया है और साथ के साथ में जो हमारी लेसेस पड़ी रहती हैं जो साड़ियाँ की होती हैं सूट की होती हैं दुपट्टे की होती हैं या कई बार हम जब काम करते हैं तो बहुत सारी लेसेस हमारे पास बच जाती हैं तो उनका हम देखिए बहुत आसानी से यूज़ करेंगे तो जो कलियाँ थी ना उसके अंदर से मैंने फ़ाइव बाई फाइव का जो है कि छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए हैं तो अभी देखिए इसके अंदर सलवटें पड़ी हुई हैं तो इसको मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी प्रेस करने से इसकी जो है कि फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी ताकि जो आप काम करें उसके अंदर एक नीटनेस और जो है कि साफ़ सुथरा आपका काम बने और अब ये देखिए ये कपड़ा भी मेरा बचा हुआ था मैंने आपके साथ में शेयर की थी ना बेडशीट बनाना तो उसके अंदर ये थोड़ा सा कपड़ा बच गया था तो इसको मैं क्या करूँगी नीचे रख लूँगी और जैसे मैं यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ ना थोड़ा थोड़ा गैप दे ये जो कपड़ा था हमारा सलवार का इसके पीसेस को हम यहाँ पर सेट कर देंगे और पिंस लगा लेंगे ताकि ये हिलेंगे डुलेंगे नहीं और आपको काम करने में स्टिचिंग करने में आसानी होगी और जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम निकाल देंगे थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे और उसके बाद ये जो कपड़ा है उसे हम ए, मतलब और कहीं यूज़ में ले लेंगे तो जब भी आपके पास कोई ऐसी चीज़ें बची रहें तो उनसे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं तो अब ये देखिए जितने भी ये मेरे पास टुकड़े थे इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया मतलब जितने टुकड़े निकल सकते थे वो मैंने सारे निकाल लिए मैंने कोई भी चीज़ उसकी वेस्ट नहीं होने दी और अब ये देखिए पिन्स वगैरह मैंने अच्छे से सेट कर ली हैं और ये जो मैंने बीच में गैप रखा है ये मैंने क्यों रखा है आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए तो आपको समझ में आएगा तो इसको मैं क्या करूँगी कि चारों तरफ से पहले ना इसको सेट कर दूँगी ताकि बाद में दिक्कत ना आए तो अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आप ज़रूर कीजिए पहले आप ये जो टुकड़े हैं ना इनको अच्छे से सेट से कर लें आप चाहें तो कच्चा जो आप सुई धागा होता है ना उससे कच्ची सिलाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मशीन से कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्ट मशीन से भी आप कर लीजिए और उसके बाद आप ये जो पेंस हैं ना इनको आप निकाल दें और इसके आ, मतलब जो आपने गैप छोड़ा है इसकी नाप की कोई आप लेस ले लें और उसको फिर आप ना अच्छे से सील दीजिए तो जो भी आपके पास पुरानी लेस है अगर आपके पास चौड़ाई में एक है तो आप एक लेस से भी काम कर सकते हैं लेकिन बाई चांस आपके पास इतनी चौड़ी जो है कि लेस नहीं है और बारीक बारीक आपके पास दो तीन पड़ी हैं तो उन दोनों को आप एक साथ सील दीजिए मतलब वो ऐसे लगेंगी अगर आप पास पास सील देंगे ना तो ऐसे लगेंगी सेम जैसे कि एक ही लेस हो तो अगर बारीक लेस हैं तो नज़दीक नज़दीक करके आप उसकी सिलाई कर दीजिए तो बहुत ही सुंदर लगता है आपकी जो पुराना कपड़ा है उसका भी यूज़ मतलब आपने ले लिया और जो ये पुरानी लेसेस पड़ी रहती हैं जो कि ना तो बड़ी होती हैं ना ही ज़्यादा छोटी तो इनका कहीं और इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं अपने घर में तो ये चीज़ ऐसी है कि आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं टेबल कवर बना सकते हैं या किसी चीज़ को ढकने के लिए आप इसका यूज़ ले सकते हैं तो जैसी भी लेस हो हल्की हो भारी हो जैसी भी हो आप उनका यूज़ करके और देखिए बहुत ही सुंदर अपने घर के लिए चीज़ें बना सकते हैं तो ये जो लेस है ये स्टोन की लेस है स्टोन वाली लेस में थोड़ी सी एक दिक्कत आती है मशीन से लेकर कि जब कभी भी आपकी आ, सुई के नीचे कोई स्टोन आता है बाई चांस जैसे आप सुई चला रहे हैं और कोई स्टोन आ गया तो उस वक्त आप मशीन मत चलाइए थोड़ा सा अपना जो फुट है ना उसको ऊपर उठाइए और ऊपर उठा के फिर मशीन को आ, मतलब थोड़ा सा आगे खींच लीजिए कपड़े को तो वो जो स्टोन है वो आगे निकल जाएगा और जो सुई होती है ना वो आपकी सेफ रहेगी ये देखिए मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरी सुई है और इसके नीचे स्टोन आ गया था तो उस वक्त मैंने क्या किया कि मतलब हाथ से ही वो है कि सिलाई की है और धीरे धीरे करके मैंने ना इसको जहाँ पर स्टोन आया वहाँ पर मैंने स्टिचिंग नहीं की मतलब की है लेकिन जो कपड़ा है उसको मैंने पीछे की तरफ सरका दिया है ताकि जो सुई है वो टूटे ना तो बस स्टोन वाली जो लेसेस होती हैं इसमें यही थोड़ा सा ध्यान रखना होता है वरना तो आपकी जो सुई है वो टूट सकती है और अब ये देखिए चारों तरफ जो उसका गैप था ना बीच में जो कपड़ा था हमने छोड़ा था बीच में उसको मैंने जो है कि इस लेस से कवर कर दिया है और ये बहुत ही मतलब एक खूबसूरत सा एक आपका कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं इसको तो मल्टीपर्पज़ चीज़ें हैं और पुरानी चीज़ों का आपने यूज़ भी किया है तो अब क्या करना है कि जो साइड में जो कपड़ा था ना ब्लू कलर का इसी से ही हम इस पे ना एक लेस बना देंगे मतलब वो पाइपिंग बना देंगे और इससे आप इसको कवर भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी जो है कि फिनिशिंग आ जाएगी तो इसको एक बराबर आप लेवल में रख लें आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं और प्रेस करने के बाद अपने जो है कि सुई को ध्यान में रखते हुए आप ये सिलाई कर दीजिए तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये गोल्डन ब्लू और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही सुंदर लगता है तो जितने भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह होते हैं उन्हें आप हटा के और खूब अच्छे से इसको बढ़िया तरीके से प्रेस कर लें और ये रेडी हो गया आपका मल्टीपर्पस जो भी आप बोलें उसको आप यूज़ कर सकते हैं तो देखा आपने पुरानी साड़ी की ये लेस हमारे कहाँ और कब काम आ गई तो अब दूसरा यूज़ है कि आ, कोई भी आप वॉल डेकोर बना सकते हैं तो ये तो और बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन इसके लिए आप बिल्कुल ही बच्ची कुछ ही जो लेजेज़ है ना उनका ही इस्तेमाल कीजिए कैसे होंगी वो मैं अभी आपके साथ में शेयर करती हूँ तो ये जो आ, कार्टून का डब्बा था ये कार्डबोर्ड का इसको मैंने ले लिया है और मतलब सेम साइज़ का ही लिया है आप साइज़ अपने अनुसार ले सकते हैं जैसा भी आप लेना चाहें चीज़ें बस एक ही तरह की होती हैं आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ में तो अब ये देखिए इसको मैंने ना कवर कर दिया है जो हमारा कपड़ा था ना उसी से ही जो पीस बच गया था उससे मैंने अच्छे से इस पर कवर कर दिया है क्योंकि ना वाइट चीज़ के ऊपर कोई भी आप कलर यूज़ करते हैं तो उसका जो एक मतलब जो आती है ना एक लुक आता है वो ज़्यादा ही सुंदर आता है और वो बहुत ही मतलब प्यारा ऐसा लगता है तो इसको देखिए मैंने ना कपड़े से इसको कवर कर दिया है अगर आप कपड़े से कवर यूज़ मतलब करना नहीं चाहते हैं तो उसको वाइट पेंट कर दें तो जो भी आपको सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए अब ये देखिए बची हुई जितनी भी लेस हैं छोटी बड़ी जैसी भी हैं ये सब मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ ये दो वीडियोज़ मेरी इसीलिए बन गई हैं क्योंकि इसमें मेरी बहुत ज़्यादा जो लेस हैं ये बच गई थी तो कल जो मैंने क्वेश्चन कवर बनाया था बहुत लोगों को बहुत पसंद आया तो उस के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तो अब ये देखिए जो बची हुई लेसेस थी ना इसको मैं क्या करूँगी इससे कवर कर दूंगी और ये बहुत ही सुंदर लगता है और जैसा भी आप डिज़ाइन मतलब इसको सेट करना चाहें वो आपके ऊपर है कि कैसे आप इसको अरेंज करना चाहते हैं तो अब आप, आपकी कितनी बड़ी लेस है इस बात पे भी निर्भर होता है ना कि आप कैसे उसको अरेंज करेंगे तो जैसे मेरे पास चीज़ें थी उसके अनुसार मैं यहाँ पर ये है कि सारी जो लेसेस हैं इससे इसको कवर कर रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको ही मार्केट में जो आजकल वॉल डेकोर मिलते हैं ना उस तरह से ये लगता है तो आप भी ऐसे बना लीजिए अगर आपके पास <coughs> सॉरी पुरानी लेसेस बच गई हैं तो तो ये देखिए फटाफट से ये चीज़ें बन जाती हैं दस मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें आपकी रेडी हो जाएंगी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बस अपनी चीज़ों को आपको अरेंज करना ही पड़ता है तो अब ये देखिए रेडी हो गए हैं दो पीस और अब मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो बेटा मुझे थोड़ा सा देखे गया है ड्रिंक की पी लो आप और अब ये देखिए इन दोनों को ना हमें आ, मतलब जोड़ना है अच्छे से इसको ना बढ़िया तरीके से कोई भी लेस की सहायता से आप जोड़ सकते हैं अगर आप लेस यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई डोरी पड़ी हो उससे भी आप इसको आ, मतलब आपस में चिपका सकते हैं तो ये जो दो लेस अभी बच गई थी मेरी उसी से ही मैं क्या करूँगी इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दूँगी ताकि ये थोड़ी सी लंबाई भी मतलब इनकी बढ़ जाएगी और ये थोड़ा सा जो है कि इसकी सुंदरता भी अच्छे से आ जाएगी तो थोड़ा सा इसको आप किसी चीज़ से दबा दें तो ये थोड़ी सी देर में ही चिपक के बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी और अब इसका जो ऊपर हमें लटकाने के लिए लूप चाहिए इसको भी मैं लेस की सहायता से ही बना दूँगी तो अब इसको भी आप अच्छे से चिपका दें और ये देखिए पहले के जो बचे हुए टेसल्स थे ये भी मेरे पास पड़े हुए थे तो इनको भी मैं लेस की सहायता से ही यहाँ पर अच्छे से चिपका दूँगी तो ये भी बहुत ही सुंदर एक वॉल डेकोर रेडी हो जाएगा तो इस तरह से बची हुई चीज़ों से हम ढेर सारी चीज़ें हमारे घर के लिए बना सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के तो अब ये जो भी टसल्स थे इसको भी मैंने ऐसे चिपका दिया है और चिपकाने के बाद इन तीनों को ना मैं आ, मतलब अपने अकॉर्डिंग ही सेट करूँगी आप चाहें तो इनको ऐसे सेट कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें ना मतलब जो राजस्थान में आर्ट गैलरी होती है वहाँ पर ये बहुत सारी दिखने को मिलती हैं और फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं खुद भी इसको बना के देखती हूँ तो मैंने तो यहाँ पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया है सारी वही चीज़ें हैं जो बची हुई थी और पुरानी लेसेस थी पुराना कपड़ा था और ये कार्डबोर्ड तो सबके घर में रहता ही है तो बस इसको पीछे की साइड से हम इसको अच्छे से चिपका देंगे और स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आप बिल्कुल भी थकेंगे नहीं और अब देखिए बीच में ये एक मेरा थोड़ा पार्सल आ गया था मैं इसको देख रही थी तो ये मैंने मंगवाए थे मिरर और ये मिरर काफ़ी काम आते हैं ये फैब्रिक ग्लू इन्होंने साथ में भेजा है फ्री में तो ये मेरे को नाइन्टी सेवन में पड़े थे तो ये जस्ट अभी अभी आया था जब ये मैं चीज़ें बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं ये मिरर तो ये देखिए तीनों चीज़ें रेडी हो गई हैं तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बाय